स्टूडेंट्स, आई एम लविका। वेलकम टू लविका क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9, दैट इज लाइंस एंड एंगल। इस वीडियो में मैं आपके साथ थ्योरम डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर के अंदर 8 थ्योरम्स हैं, जो कि मैं आपको एक ही वीडियो में सारी थ्योरम समझाने वाली हूँ। सो बने रहना मेरे साथ वीडियो में एंड तक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट इट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। Let's start the video. And in this video, I'm going to cover theorem number 1, that is 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, and 6.8. So let's start. This is first theorem, that is theorem number 1, that is 6.1. If two lines intersect each other, then vertical opposite angles are equal. जब आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे पर किसी भी पॉइंट पर, तब वहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं और वो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये आपने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, आपको जब भी थ्योरम एग्जाम में लिखने के लिए आती है, सॉल्व करनी हो, तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना होता है, देन आप इन टू प्रूव लिखना होता है। सो स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि गिवन कैसे लिखें। गिवन स्टूडेंट्स, जब आपको इफ में जो भी स्टेटमेंट दी है वो आपको गिवन में लिखनी है, और जो भी आपको देन के बाद स्टेटमेंट दी है वो आपको टू प्रूव में लिखनी है। सो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊंगी किस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम्स में लिखते हैं तो आपका कोई भी मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। सो चलते हैं अपने गिवन की तरफ। गिवन आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है, एक फिगर ड्रॉ कर ली है, जिसमें मैंने ए बी एक लाइन दिखाई है, दूसरी लाइन एक सी डी से दिखाई है, और ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे कटती हैं, दैट इज ओ पॉइंट, मींस इंटरसेक्ट करती है एट ओ पॉइंट। अब यहाँ पर इन दोनों लाइन से जब दो लाइन आपस में कट रही हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, तो आपका एक वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है और वो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वो आपको प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में आप लिखेंगे ए ओ सी equal to BOD and AOD is equal to BOC. That means angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. तो आप स्टूडेंट्स प्रूफ में क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, जैसे कि फर्स्ट लाइन ले लीजिए ऑन लाइन AB। पहले हमने एक लाइन ले ली AB। अब AB के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं वो आपके इक्वल होंगे, दैट इज AOD प्लस BOD, ये दोनों इक्वल होंगे। और एक लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं ना, उनका सम क्या होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, और उसे क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर। अगर आपको ये अच्छे से समझने आए तो पहले मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, सो दैट आपको सारी थ्योरम जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आपका रहे नहीं, डाउट शुड बी आउट। सो अब आपने क्या करना है, एओडी प्लस बीओडी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब आपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक लाइन ले लेनी है, दैट इज सीडी। अनदर लाइन जो हमारी है वो सीडी आपने ले लेनी है, ऑन लाइन सीडी। सीडी के ऊपर जो आपके एंगल बन रहे हैं आपने वो लाइन ले लेने हैं एंगल्स। आपका एंगल बन रहा है दैट इज एओडी एंड प्लस एओ सी। तो एओ डी एंगल प्लस एओ सी एंगल, यहां पर आपने लिख लिया एओ डी प्लस एओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ आपका राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, 180 डिग्री 180 डिग्री। सो आप लिखेंगे AOG प्लस BOD इज इक्वल टू AOD प्लस AOC, इस तरीके से आप लिख लेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए AOD AOD दोनों में कॉमन है, मीन्स सेम है। जब आपका इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ, मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, साइंस जो है वो सेम होते हैं, तो आपका एज इट इज कैंसिल हो जाता है, मीन्स AOD इज कैंसिल विद AOD. Now we have left BOD is equal to AOC. अब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, BOD and AOC. That is angle 2 and angle 1. तो हमारा एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल आ गया है स्टूडेंट्स। लेकिन हमारा एक ही प्रूव हुआ है, दैट इज BOD is equal to AOC. लेकिन अभी हमें ये भी प्रूव करना है AOD जो है वो BOC के भी इक्वल है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, AB एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये सेम रहेगा हमारा गिवन। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, एओ सी एंड
AOT और BOC को हमें इक्वल प्रूव करना है. तो हम लिखेंगे ऑन लाइन AB, AB लाइन के ऊपर अब हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज थर्ड इक्वेशन. इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया. AOC एंड BOC मींस एंगल 1 एंड एंगल 4. एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ आपने नेक्स्ट लाइन ले लेनी है, दैट इज CD, ऑन लाइन CD. CD के ऊपर स्टूडेंट्स आपने लिखना है AOD प्लस AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. AOD प्लस AOC, AOD में आपका एंगल नंबर 3 आ रहा है एंड AOC में आपका एंगल नंबर 1 आ रहा है. तो आपने ये दोनों इक्वेशंस लिख लेनी है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. फोर्थ इक्वेशन आपने इसको नाम देना है. अब आप लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड इक्वेशन. फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी हैव राइट हैंड साइड इक्वल. अभी हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी. तो आप लिखेंगे AOC प्लस BOC इज इक्वल टू AOC प्लस AOD. देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे AOC AOC दोनों में कॉमन है, वो कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा BOC इज इक्वल टू AOD. यही हमें प्रूफ करना था, दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1. आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से. अगर ना समझ आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. थ्योरम नंबर 2. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. अगर आपकी एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो वहां पर जो भी ऑल्टरनेट पेयर बनेंगे ना, मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो भी आपके बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि दो पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरी लाइन. तो आप लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस. हमने दो लाइंस ले ली, एक ए बी और एक सी डी. ये जो है वो पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है जिसको पी के. वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, जब इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, दैट इज आर एंड एस. तो यहाँ पे हमारा R और S पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इंटरसेक्ट एट R एंड S. नाउ टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनेगा वो हमें प्रूफ करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एंगल दिखाया हुआ है ARS. ARS जो है वो आपका DSR के इक्वल है. मींस जो ये वाइट वाइट है ये दोनों सेम है एंड जो रेड रेड है वो दोनों सेम है. मीन्स बी आर एस इज इक्वल टू सी एस आर. ये देखिए स्टूडेंट्स, टू प्रूव में आप लिखेंगे ए आर एस इज इक्वल टू डी एस आर एंड बी आर एस इज इक्वल टू सी एस आर. ये आपने इक्वल प्रूव करना है. चलते हैं प्रूफ की तरफ. ए आर एस इज इक्वल टू सी एस क्यू. देखिए स्टूडेंट्स, ए आर एस एंड सी एस क्यू ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं. मीन जो सेम साइड पे एंगल्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. तो हम लिखेंगे ए आर एस इज इक्वल टू सी एस क्यू. इक्वेशन इसको हम फर्स्ट दे देंगे और लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम साइड पर बनते हैं ट्रांसवर्सल के. नेक्स्ट हम लेंगे सी एस आर इज इक्वल टू डी एस आर. सी एस आर इज इक्वल टू डी एस आर और ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ए आर एस इज इक्वल टू डी एस आर. तो हमारा जो ए आर एस है और जो डी एस आर है वो दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, इक्वल हो गए. ये हमें प्रूफ करना था तो हमारा फर्स्ट स्टेप आ चुका है. सिमिलरली हम सेकेंड वाला भी कर लेंगे, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में. हम सीधा लिखेंगे सिमिलरली बी आर एस इज इक्वल टू सी एस आर. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे वी हैव प्रूव दैट बी आर एस इज इक्वल टू सी एस सी आर एस. तो ये स्टूडेंट्स होगी हमारी थ्योरम नंबर 2. नाउ थ्योरम नंबर 3. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस. अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करता है, दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर्स इज इक्वल. तो वहां पर जो भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनेगा वो इक्वल होगा, देन टू लाइंस आर पैरेलल. तो वो जो उससे दो लाइंस बनेंगी ना स्टूडेंट्स, वो आपके इक्वल है. दैट मीन्स दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2. ये कन्वर्स है 6.2 थ्योरम का.
सो स्टार्ट करते हैं. हमें गिवन में क्या लिखना है, हमें गिवन में लिखना है ARS is equal to DSR, जो आपके एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है. तो यहाँ पे एंगल बन रहा है ARS एंड DSR. स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि टू पैरेलल लाइंस है AB एंड CD. ये आपको प्रूफ करनी है. और PQ मैंने एक इंटरसेक्टर बनाया हुआ है जो इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल. R और S पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. ARS एक पॉइंट बन रहा है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहा है. एंड DSR ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं. तो हमें गिवन है ARS इज इक्वल टू DSR. दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD आर टू पैरेलल लाइंस एंड PQ इंटरसेक्ट एट R एंड S. हमें प्रूव करना है कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं जिसे PQ जो है वो इंटरसेक्ट करता है R एंड S पॉइंट पर. प्रूफ में हमारे पास क्या है, एंगल बन रहा है दैट इज ARS इज इक्वल टू BRP, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल. और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे. स्टूडेंट्स जो गिवन में हमें एंगल गिवन था उसे आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे. एंड ARS इज इक्वल टू BRP जो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहा है इसे आप सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेंगे. नाउ स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 स्टूडेंट्स देखिए ARS दोनों में सेम है. अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है दैट मीन्स RHS भी आपका सेम होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, DSR इज इक्वल टू BRP. तो ये वाला एंगल भी आपका इक्वल होगा. देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल आपके तभी इक्वल होते हैं जब किसी भी लाइन पे एंगल तब इक्वल होते हैं जब वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं. अगर हमारे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी बनते हैं जब लाइन्स पैरेलल होती हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, DRS is equal to BRP. These are corresponding angles and corresponding angles makes on parallel lines. So AB and CD is parallel lines. Hence AB is parallel to CD. Proof. यही हमें प्रूव करना था. Next that is theorem number 6.4. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. आपको एक transversal दिया है जो दो parallel lines को intersect करता है. If a transversal intersects two parallel lines, अगर एक transversal दो parallel lines को intersect करता है, then each pair of interior angle, जो आपका pair होगा interior angles का, ट्रांसवर्सल की इज सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स जो आपके ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो एंगल बनेगा उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए. यही मतलब हुआ क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. ये मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था. सो प्लीज उस वीडियो को एक बार जाके देख लो सो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए. नाउ हमें गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड PQ इंटरसेक्ट करती है R एंड S पॉइंट पर. तो हम गिवन में लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इंटरसेक्ट R एंड S. सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ARS प्लस एंगल CSR इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. तो हम लिखेंगे एंगल ARS प्लस CSR इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये कौन से एंगल्स हैं, इनका सम, इनको क्या बोलती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ प्रूव करना हमें ARS इज इक्वल टू CSQ. अब हम लिखेंगे ARS एंड CSQ ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं. और CSR plus CSQ is equal to 180 degree. CSR plus CSQ ये जो है ये pair of linear pair है. ये दोनों जो है वो linear pair बना रहे हैं क्योंकि इनका sum जो है वो 180 degree है. Now students आपको प्रूव करना था CSR plus ARS equal to 180 degree. तो वो आपका आ चुका है, CSR plus ARS is equal to 180 degree. चलते हैं थ्योरम नंबर 5th की तरफ, 6.5. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्स टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइंस आर पैरेलल. अगर आपके पास एक ट्रांसवर्सल है जो आपकी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, और वहां पर जो पेयर बनेगा आपके इंटीरियर एंगल्स का वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, देन टू लाइंस आर इक्वल. तो हमें ये प्रूव करना है कि टू लाइंस जो है वो पैरेलल हैं. तो
तो आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है ए आर एस प्लस सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ए आर एस एंड सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हम सपोज कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो टू प्रूफ में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ प्रूव दैट, प्रूफ दैट में आपको जो पूछा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे सी आर एस प्लस सी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स ये एक ही लाइन पे बन रहा है एंगल, दैट इज सी आर एस प्लस सी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। नाउ फ्रॉम वन एंड टू फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लिखेंगे यहाँ पर ए आर एस प्लस सी आर एस इज इक्वल टू सी एस आर प्लस सी एस क्यू। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दोनों इक्वल है, 180 इक्वल है, तो एल एच एस भी इसका क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स हम इसको अंदर लेके आएंगे और माइनस कर देंगे, हम लिखेंगे ए आर एस इज इक्वल टू सी आर एस माइनस सी एस आर प्लस सी एस क्यू। जो ये सी एस आर था इसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेके गए तो ये माइनस पे कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये देखिए सी आर एस एंड सी एस आर जो है वो दोनों सेम है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा ये। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए आर एस इज इक्वल टू सी एस क्यू, ए आर एस एंड सी एस क्यू बचा हमारे पास। नाउ ए आर एस और सी एस क्यू ये इक्वल हैं बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंड ऑल्सो इक्वल, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग भी और इक्वल है, और ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब हमारी लाइन्स जो है वो पैरेलल हों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ थ्योरम नंबर 6.6, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है मीन्स वो सभी के साथ पैरेलल होती है, सपोज ए लाइन जो है वो बी के पैरेलल है, बी लाइन सी के पैरेलल है, सो ए लाइन जो है वो सी के भी पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर थ्री लाइन्स गिवन है, वी हैव थ्री लाइन्स दैट इज ए बी एंड सी। नाउ हमें गिवन है आपको क्वेश्चन में ए एंड बी आर टू पैरेलल लाइन्स एंड ऑल्सो बी एंड सी आर अनदर टू पैरेलल लाइन्स। ए और बी जो है वो दो पैरेलल लाइन्स है एंड बी एंड सी जो है वो अनदर टू पैरेलल लाइन्स है। आपको प्रूव करना है कि ए जो है वो सी के भी पैरेलल होगी, ए इज पैरेलल टू सी। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको थोड़ा समझने के लिए मैंने एंगल्स ले लिए हैं, जो मैंने आपको 1, 2, 3 दिख रहा है ये एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूफ में लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है बिकॉज ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है स्टूडेंट। नाउ 2 एंड 3 जो है वो भी इक्वल है बिकॉज वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 2 इज इक्वल टू 3 दैट इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप 1 एंड 2 से देखें स्टूडेंट्स तो हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर किसी भी लाइन पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और वो इक्वल होते हैं तो ये कब पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब लाइन्स क्या हो, पैरेलल हो। सो ए एंड सी इज ऑल्सो पैरेलल, सो यहाँ पे हमारा आ गया हेंस ए इज पैरेलल टू सी, प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो चुका। दिस इज थ्योरम नंबर 6.7, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, और इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम भी बोलते हैं। ये थ्योरम जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके नेक्स्ट चैप्टर्स जो होंगे उसमें भी काम आएगी, जैसे कि आपका एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, वहां पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी, और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स वहां पर भी यूज होगी, और आप क्लास 10th में जाएंगे वहां पर भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें गिवन है एक ट्राइंगल दैट इज ए बी सी, हमें सिर्फ यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, और हमसे ये पूछा हुआ है कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मैंने एंगल्स को जो है वो नंबरिंग दे रखी है 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। सी स्टूडेंट्स अब आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है और हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स एक लाइन हमने ड्रॉ की है एज इन कंस्ट्रक्शन,
कि पी क्यू लाइन थ्रू ए, हमें एक लाइन ड्रॉ की है ए पॉइंट से पी क्यू, दैट इज पी क्यू पैरेलल टू बी सी. नाउ अब जो ये लाइन पी क्यू है वो पैरेलल बन रही है किसके, बी सी के. अब स्टूडेंट्स हमें प्रूफ में करना है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एंगल जेड बना रहा है, एंगल टू एंड एंगल फोर, जो एंगल हमारा टू है और फोर है एंड थ्री एंड फाइव है वो क्या बना रहा है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो हम लिखेंगे एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ स्टूडेंट्स एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, और उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर. तब यहाँ पे देखिए जो पी क्यू है वो एक लाइन है, उसके ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल फोर, एंगल वन एंड एंगल फाइव. ये तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. नाउ स्टूडेंट्स एंगल टू प्लस एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखिए स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो फोर एंगल था वो टू के इक्वल था तो हमने फोर की जगह पे टू लिख दिया और वन तो एज इट इज लिख दिया बिकॉज वन किसी के इक्वल नहीं है, और जो फाइव एंगल था वो थ्री के इक्वल था तो हमने फाइव के जगह पे थ्री लिख दिया है. तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन निकल के आ गई है एंगल टू प्लस एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो हमारा आ चुका है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम. नाउ थ्योरम नंबर 6.8, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. कहता है अगर आपको इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, अगर एक साइड जो है ट्राइंगल की उसको प्रोड्यूस कर दिया जाए आगे तक, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मड, और जो वहां पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, और उसका जो सम होगा वो अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उसका सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा. तो हमें ये प्रूव करना है. तो स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या है, हमें गिवन एक ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए बी सी बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, बी सी को प्रोड्यूस किया गया है डी तक, और यहाँ पर मैंने एंगल फोर से दिखाया है, एंगल फोर इज योर एक्सटीरियर एंगल, ये जो बाहर वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है. नाउ स्टूडेंट्स टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, एंगल फोर जो है उसका जो सम है वो एंगल टू प्लस एंगल वन के इक्वल है. नाउ प्रूफ में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर जो है वो 180 डिग्री का पेयर बना रहे हैं, दैट मीन्स लीनियर पेयर. तो हमने लिख दिया एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. नाउ स्टूडेंट्स एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं 6.7 थ्योरम में कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जहां पर तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी को, और हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम वन एंड टू, और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, फ्रॉम वन एंड टू से हमारे पास आ गया एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ये तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल आ गए हैं. नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर LHS में और RHS में दोनों में एंगल थ्री जो है वो सिमिलर है, और एंगल थ्री को हम इस तरफ लेके आएंगे इक्वल टू के, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री माइनस एंगल थ्री, थ्री से थ्री क्या हो गया कैंसल, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बचा एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू. यही हमें प्रूव करना था. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दो, मेरी वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.